नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहे हैं और बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है, ये संदेह होता है कि घर में पितरों की तस्वीर या फोटो लगानी चाहिए या फिर नहीं, और कहाँ लगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा खास विषय है और काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते भी हैं कि अपने घर में पितरों की तस्वीर किस प्रकार लगानी चाहिए जिससे कोई भी नकारात्मक प्रभाव घर पर ना पड़े और पूरी तरह से सकारात्मक प्रभाव घर पर बनाया जा सके। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से नियमों को आपको ध्यान में रखना है और किस तरह से पूर्वजों की पितरों की तस्वीर घर में लगानी चाहिए। माता पिता, दादा दादी सभी जो इस दुनिया में अब जा चुके हैं वही पितर और पूर्वज कहलाते हैं। इनके चले जाने के बाद भी इनका हमारे दिल से गहरा नाता रहता है। बहुत से लोग इनकी तस्वीरों को देवताओं के समान पूजा घर में रखकर पूजा करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। शास्त्रों के अनुसार पितर देवताओं के समान शक्तिशाली होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, लेकिन देवताओं के स्थान पर इन्हें नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि देवताओं के साथ कभी भी अपने पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इसी से फिर देव दोष घर में लग जाता है। इसी से देवता नाराज हो जाते हैं, जिससे घर में बरकत नहीं बन पाती है और सुख समृद्धि घर से वापस लौट जाती है। शास्त्र ये भी बताते हैं कि घर में पितरों की तस्वीर फोटो लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे तो पितरों की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए, लेकिन कुछ खास नियम को भी जान लेना चाहिए जिससे पितरों की और देवताओं की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे। तो सबसे पहला है दोस्तों, जहां भी आप सोते हैं यानी कि आपका जो बेडरूम है वहां पर कभी भी आपको अपने पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखें कि जहां पर आपकी किचन है वहां पर भी कभी भी भूल कर भी पितरों की तस्वीर को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसी से परिवार में गृह कलेश बढ़ जाता है। परिवार के सभी लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और घर में सुख समृद्धि की कमी हो जाती है। अब दूसरा है कि काफी लोग इस गलती को करते हैं कि जहां पर उनके घर का मंदिर होता है वहीं पर अपने पितरों की तस्वीर लगा लेते हैं भगवान के साथ। तो आपको बता दें कि शास्त्रों में ऐसा करना बिल्कुल वर्जित बताया गया है। पितरों के साथ भगवान की, देवी देवताओं की फोटो लगाने से देव दोष घर में उत्पन्न हो जाता है और उस घर में कभी भी देवताओं की कृपा फिर नहीं बनती है। शास्त्रों में और वेदों में पितरों का और देवताओं का स्थान बिल्कुल अलग अलग निर्धारित है। अगर पितृ देवता की फोटो घर के मंदिर में लगा दी जाती है तो किसी भी पूजा पाठ का फल नहीं मिल पाता है और किसी भी शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो आप जरूर इन बातों को ध्यान रखें। अब तीसरा है, घर में जहां से सभी स्थान से तस्वीर पर नजर जाती हो उस स्थान पर पितरों की तस्वीर कभी नहीं लगानी चाहिए। जैसे कि हॉल होता है जहाँ पर बाहर के लोग सारे आकर बैठते हैं, तो ऐसे स्थान पर कभी भी पितरों की तस्वीर को नहीं लगाना है। जबकि काफी बार लोग भावुकता में ऐसा करते हैं कि हॉल में ही तस्वीर को लगा देते हैं, जिससे घर के हर कोने में से, हर जगह में से पितरों को देखा जा सके, पितरों के दर्शन किए जा सकें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पितरों का स्थान पूरी तरह से अलग ही निर्धारित होता है, तो आप ऐसी जगह पर बिल्कुल भी पितरों की तस्वीर ना लगाएं जहां पर सभी बाहर के लोग आते जाते हों। दक्षिण और पश्चिम दीवारों पर कभी भी भूल कर भी पितरों की तस्वीर आप ना लगाएं, क्योंकि इसी से धन की बहुत ही अधिक हानि होनी शुरू हो जाती है और पितृ दोष लग जाता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। इसी तरह से बहुत सारे लोग ये गलती भी करते हैं कि अपने पितरों की जो फोटो होती है उन्हें अपनी फोटो के साथ लगा लेते हैं, यानी कि जो घर के लोग जीवित हैं उन्हीं के साथ अपने पितरों की फोटो को लगा लेते हैं, जबकि यह बिल्कुल ही ज्यादा गलत बताया गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं वास करने लगती हैं, घर पे बहुत ही ज्यादा गृह कलेश हो जाता है और बात बात पर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। कभी भी किसी भी जीवित व्यक्ति की फोटो कभी पितरों के साथ नहीं लगानी चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखें कि पितरों की तस्वीर को कभी भी ऐसे न लगाएं जिससे तस्वीर लटकी हुई हो, बल्कि इस तरह से लगाएं कि दीवार से बिल्कुल पूरी तरह से चिपकी हो। एक से ज्यादा फोटो आपको कभी भी पितरों की अपने घर में नहीं लगानी चाहिए और ऐसे स्थान पर भूल कर भी ना लगाएं जहां पर आते जाते हुए कोई भी कार्य करते हुए आपकी नजर पितरों पर पड़ती रहे। तो ऐसे स्थान पर बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि इससे नकारात्मकता आती है। संपूर्ण शास्त्रों के अनुसार पितरों की तस्वीर को हमेशा घर के उत्तरी हिस्से में लगाना चाहिए, या फिर घर का कमरा है
वहाँ पर आप अपने पितरों की फ़ोटो को लगा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जिस स्थान पर आप लगाना चाहते हैं वहाँ उत्तरी दीवार पर ही आपको तस्वीर को लगाना है, ताकि उनकी दृष्टि दक्षिण की ओर रहे, क्योंकि दक्षिण की जो दिशा होती है वह यम और पितरों की दिशा कही गई है। ऐसा करने से अकाल, मृत्यु और संकट से पूरी तरह से बचाव होता है और पितर आपकी सहायता करते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप जरूर इन बातों का ध्यान रखें जिससे घर में पितृ दोष ना लगने पाए और पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। वीडियो को लाइक करके अन्य भक्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे कोई भी व्यक्ति इस गलती को ना करे और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु महापितर को नमस्कार लिखते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को जरूर लिख दें, क्योंकि इस मंत्र को लिखने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर मिलते रहें और कोई भी वीडियो मिस बिल्कुल भी ना हो। धन्यवाद।